दूसरा मैं कहूंगी कि शौकत बसरा साहब की बात का जवाब दूंगी कि आज बड़ा अच्छा है ये पीटीआई में बैठ के डिफेंड कर रहे हैं उधर पार्टी भी करता को होता था, कि याद नहीं है इनको शायद ये उधर भूल भी गए करता हैं। था, अकेला ही मार खाता था जी पंजाब बिल्कुल में। इनको ये शायद भूल गए इनका शायद बड़ी जो मेमोरी डिस्क है वो बड़ी शॉर्ट है और ये भूल गए कि हम योम तासीस भी जो है पहले मनाते रहे हैं लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी और अभी इसी तरह का जो है वो कारवाने भुट्टो है। एक ये पार्टीज का काम होता है अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक ठीक रखने है का और वो हम कर रहे हैं और उसको एक गलत रंग देना ये गलत है। ओके दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये हकूमत ये बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं ये बड़े बड़े जो है वो जॉब्स के हवाले से भी बातें कर रहे हैं कि अभी पहले कह रहे थे कि 1 करोड़ जो है नौकरियाँ हम देंगे अब कह रहे हैं कि हम मुल्क से बाहर देंगे। मतलब ये सुबह क्या बात करते हैं शाम क्या बात करते हैं फिर आप देखें कि इन्होंने तो ठीक है हज और ख़ास तौर पर अभी हम बात यही कर रहे थैंक थे यू कि जो रमज़ान अभी आने वाला है जो कीमतें बढ़ी हैं जो लोड शेडिंग हो रही है वो किस तरह से लोगों को जो वो है तो वो सही, इन मैंने भी इस्लामी यही महीनों सवाल में किया भी जो है है वो और इस चैन सवाल से का उनको जवाब जो ये है महीने नहीं वो गुजारने हनूज देंगे बाकी है। हम उससे लियाकत ही बसरा साहब से इसका जवाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आई होप कि आइंदा इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ मिलने के इम्कान भी हों। फिलवक्त तो खबरें जो हैं वो इसके बरक्स हैं। इजाज़त लेंगे आपसे।